रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के हैंड रिटन नोट्स और पीवाईक्यूज सब चीज इसमें इंटीग्रेटेड है, उसकी हम मुंह दिखाई करने जा रहे हैं। ठीक है, काफी सही मटेरियल बनाया गया है, पिछले दो तीन दिनों से बना रहा हूं, तो एक एक चीज इसमें तुम्हें मिलेगी। इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कर लिया, इसकी थ्योरी पढ़ ली, जितनी रिएक्शन है वो सारी अच्छी तरह याद कर ली। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज है इसमें, वो तुमने कर लिए, जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है वो तुमने कर ली, बहुत है, तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इससे अच्छा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। हर एक चीज मैंने इसमें इंटीग्रेट करी है, जैसे कि ये जो तुम्हारी डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जो तुम एग्जाम में लिखोगे, तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, कोई तुम्हारा एक नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, हर चीज इसमें तुम्हें हर चीज डिफाइंड मिलेगी। ठीक है, तुम चाहे कहीं से पढ़े हो लेक्चर या ना पढ़े हो, तुम इसको एक बार बैठ के उठाओगे, है ना, और पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें हर चीज समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप तुम्हें समझाया हुआ है कि किस तरह से बैलेंस करना होता है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, फिर तुम इसे प्रैक्टिस करोगे उसके आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, एक चीज मेरे को यहाँ पे बतानी थी, जैसे ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है, इसमें मैंने लिखा है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो सारी याद करनी तुम्हें जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रिएक्शंस कई बार बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल वाली रिएक्शन है तुम्हें याद करनी है, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड वाले पूछ सकते हैं कि भाई बताओ क्विक लाइम किस तरह रिएक्ट करता है जिससे कि वो स्लेक लाइम बनता है। ठीक है, के क्यूब बी का मतलब होता है कुछ काम की बात। ठीक है, अंग्रेज जो होते हैं वो नोट्स उठाते हैं, मतलब वो नोट्स लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो नोट लिखेंगे, हम लिखेंगे के क्यूब बी क्योंकि वो कुछ काम की बात है, हम हिंदी हैं। आगे बढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसके अलग अलग पार्ट मैंने डिफाइन करे हैं, सारी रिएक्शंस तुम्हें याद करनी है। एक प्रो टिप देता हूं, रिएक्शन सारी एक साथ मगअप करने की कोशिश मत करना, दिन की चार उठा लो, ठीक है, सामने लिख लो जहां पे तुम्हारी स्टडी टेबल है। ठीक है, फिर पूरे दिन तुम्हें वो दिखेगी तो तुम्हें वो याद हो जाएंगी, दो दिन चार रिएक्शन याद करी, अच्छी तरह याद कर ली, अब आगे की चार रिएक्शन उठाएंगे, इस तरह से तुम्हें एक एक रिएक्शन याद हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कलर क्या होता है, नाम क्या होता है, ये सब चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कई बार डायरेक्ट वर्ड में पूछ लेते हैं जो बोर्ड वाले होते हैं। आगे हम देख सकते हैं, ठीक है, तुम्हें हर चीज इसमें मिलेगी। आगे यहाँ पे तुम्हारे पीवाईक्यूज इंटीग्रेट करे गए हैं, ठीक है, जितने पीवाईक्यूज आए थे, जितने मेरे को मिले ऑल इंडिया में वो सारे डाले हैं। ठीक है, जितने मेरे को मिले हैं, जिस साल नहीं आए वो साल वाले नहीं डाले, ऑब्वियस सी बात है। आगे तुम देख सकते हो यहाँ पे क्यूआर कोड है, अगर तुम्हारा मन करे डोनेट करने का तुम डोनेट भी कर सकते हो। इन नोट्स को पढ़ने के बाद इस साल कौन 95% लाएगा, हर बार की तरह ये तुम ही लाओगे। ठीक है, इसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड लिंक ना चले तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है, उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, चाहे चले ना चले टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, वहां पे हर एक अपडेट आती है। ठीक है, नोट्स वहां पे मिल जाएंगे तुम्हें, और तब तक ले वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और टांग लगा देनी है। बाय बाय, पढ़ लो, चलो बाय पढ़ लो।